करने की किसवीं बरसी है। आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी यहां पहुंचे थे और लोकतंत्र के इस मंदिर पर हमला किया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, उसके बाद यहां पर जब आतंकवादी पहुंचे तो हमारे जवानों ने मुकाबला किया, अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर को सुरक्षित रखा। आपको बता दें कि 9 लोग इस हमले में शहीद हुए थे। सीआरपीएफ की कमलेश कुमारी महिला कमांडेंट थी और वो सबसे पहले इस हमले में शहीद हुई थी। दिल्ली पुलिस के 5 लोग भी इस हमले में शहीद हुए थे, नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर लोकतंत्र के इस मंदिर की रक्षा करी थी। इसके साथ साथ राज्यसभा सचिवालय के 2 सुरक्षा सहायक, उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसमें एक जगदीश प्रसाद यादव थे और दूसरे थे मातवर सिंह नेगी। जिस समय आतंकवादी यहां पहुंचे थे 11:40 का करीब समय था और जब लगातार गोलियां चल रही थी, तो राज्यसभा सचिवालय के दोनों सुरक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद यादव और मातवर सिंह नेगी, यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले अपने जो सहयोगी थे उनको ये बोला था कि संसद भवन के गेटों को तुरंत बंद करो, आतंकी हमला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि अगर आतंकवादी गेट से अंदर घुस जाते तो कितनी बड़ी जो घटना है वो दुनिया के सामने आती, और आज हमारे उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ साथ एक और CPWD के एक माली थे देशराज, वो भी इस आतंकी हमले का शिकार हुए, और आज सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इन लोगों को यहाँ पर पहुँचे हैं और गार्ड ऑफ ऑनर इनको दिया जाएगा CRPF के द्वारा, क्योंकि CRPF की महिला कमांडेंट है वो भी शहीद हुई थी। ये आप नाम देख सकते हैं, विजेंद्र सिंह, रामपाल, नानक चंद, ये दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे। इसके अलावा मातवर सिंह नेगी, ये जो राज्यसभा सचिवालय के सुरक्षा सहायक, JP यादव, कमलेश कुमारी जो सबसे पहले शहीद हुई थी और CRPF की महिला कमांडेंट थी, ओम प्रकाश दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल थे, इसके अलावा घनश्याम दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, और देशराज ये जो CPWD में काम करते थे और माली थे, वो भी इस हमले में शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद भवन परिसर में पहुंचे हैं, और इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी उस समय जब हमला हुआ था थोड़ी देर पहले ही यहां से निकली थी, और लाल कृष्ण आडवाणी उस समय संसद भवन परिसर में ही मौजूद थे, और आज उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने हमारे इस लोकतंत्र की रक्षा करी थी। CRPF के कमांडेंट कमांडो जो गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, श्रद्धांजलि देने के लिए जो तमाम लोग हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी पहुँचे हैं,
और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आतंकवाद आज पूरी दुनिया में अपने पैर फैला रहा है और पूरी दुनिया को ही इस आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। भारत लगातार कहता रहा है कि अच्छा या बुरा आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है। अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय प्रजातंत्र की रक्षा की। हमें अशोक चक्र से सम्मानित शहीद जगदीश प्रसाद यादव, शहीद माधबर सिंह नेगी, शहीद कमलेश कुमारी, कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद नानक चंद, शहीद रामपाल, शहीद ओम प्रकाश, शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद घनश्याम और CPWD के कर्मचारी शहीद देशराज की शहादत पर गर्व है। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप CRPF की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी। सम्मान गार्ड शहीदों को सलामी देंगे। सलामी जय। सम्मान गार्ड जय। शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे। अब सभी गणमान्य जन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। Thank you.
शहीदों के सम्मान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सभी व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान कर सकते हैं। आज आतंकवाद पूरी दुनिया में किसी ना किसी रूप में मौजूद है। इससे पहले देखा होगा कि आतंकवाद को लेकर जो बड़े मुल्क थे, ताकतवर मुल्क थे, एक अलग रवैया अपनाते थे, लेकिन
9/11 की जो घटना है उसने आतंकवाद पर इनके रवैये को बदल दिया, और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अब आतंकवाद के खिलाफ तमाम जो लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। पहले यूरोप जो आतंकवादी हमलों से सुरक्षित था, लेकिन आपने देखा होगा कि लंदन, पेरिस, जहां आतंकवादी हमले हुए, और आज ज़रूरत भी इसी बात की है कि तमाम दुनिया के मुल्क अगर एकजुट हो जाएं, तो कोई मजाल है कि किसी भी देश में किसी भी जगह आतंकवादी घटना हो जाए, हमको एकजुट होना पड़ेगा। और इन्हीं के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। नमस्कार। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ में रहकर बिताऊं, ना कि तुमसे अलग रहकर। शायद इसीलिए मुझे जो कुछ भी सही लगा मैंने किया। मेरे प्यार में ही कमी थी या मुझ में कोई कमी है जब हर कोई मुझसे नफरत ही करता है? अगर मैं चाहूँ तो उस घर के एक एक सदस्य को ताश के पत्ते की तरह बिखेर के रख दो। पता तो जरा उस घर से टूट के अब कौन मिलेगा हमसे? कॉर्पोरेट सरपंच, कॉर्पोरेट सरपंच।